भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन पूरे तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम के नाम रहा। आपको बता दें कि जहां पर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में एक अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद 338 रनों पर रोकने में कामयाब रही, वहीं जवाब में भारतीय टीम को अच्छा स्टार्ट मिला। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी को अच्छे से शुरुआत दिलाई और 70 रन बोर्ड पर लगा दिए, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा के रूप में भारत को पहला झटका लग गया। जॉश हेजलवुड ने रोहित शर्मा को आउट किया। इसके बाद शुभमन गिल भी 50 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की विकेट इतनी बड़ी विकेट हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल यहां पर एक समय भारत का स्कोर हो गया था 85-2, करीब 32 ओवर का खेल हो चुका था, लेकिन इसके बाद चित परिचित अंदाज में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने स्लो खेलना शुरू किया। माना जा सकता है कि भाई वो दिन को एंड पर कोई विकेट नहीं देना चाहते थे, इस वजह से वो स्लो खेले। लेकिन तीसरे दिन की शुरुआत कुछ अलग ही सुबह लेकर आई। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जमकर कहर बरपाया। आपको बता दें कि हम आपको ये पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे एनटी न्यूज में कि अगले तीन दिन कोई बारिश नहीं है, और तीसरे दिन बारिश हुई नहीं। तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करना शुरू किया, लेकिन इसके बाद अजिंक्य रहाणे के रूप में 55वें ओवर में यहां पर विकेट मिला पैट कमिंस को। अजिंक्य रहाणे एक अच्छी गेंद पर बोल्ड हो गए, लेकिन इसके बाद अजिंक्य रहाणे बोल्ड हुए, चेतेश्वर पुजारा स्लो खेल रहे थे, हनुमा विहारी 38 गेंदों में 4 रन बनाकर रन आउट हुए। इन तीनों पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये काफी स्लो खेले। जब आप स्लो खेलते हैं, जब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अपनी गेंदों से कहर बरपा रहे थे, उन्होंने फील्ड क्लोज कर रखी थी, तो आप शॉट्स खेलते तो शायद आपकी टीम और आगे बन सकती थी। आप गेंदे ज्यादा खेल रहे हैं, आपके रन कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का स्कोरबोर्ड नहीं चल पाया और भारत को 3 बड़े झटके लगे। इस बीच ऋषभ पंत जब आए तो ऑस्ट्रेलिया ने फील्ड खोली। ऋषभ पंत ने शानदार तरीके से रन्स बनाए। अगर ऋषभ पंत की कोहनी में चोट लगती नहीं तो यह बात तय थी कि आज ऋषभ पंत का शतक आ रहा था। ऋषभ पंत हेजलवुड का शिकार बने, 36 गेंदों में 67 रन बनाकर आउट हुए। वार्नर ने सेकंड स्लिप में उनका शानदार कैच लपका, लेकिन बड़ी बात यह रही कि यहां पर ऋषभ पंत अपना हैंड मूवमेंट खोल ही नहीं पा रहे थे, उनकी कोहनी में चोट लगी। ऑस्ट्रेलिया ने रफ गेंदबाजी की, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। चेतेश्वर पुजारा की सबसे स्लोएस्ट पारी थी, 176 गेंदे ली चेतेश्वर पुजारा ने 50 रन बनाने के लिए। इसके बाद वो अपनी विकेट पैट कमिंस को गिफ्ट दे बैठे, और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुजारा ये बात कहते हैं कि मैं इस पूरी सेंचुरी की सबसे बेहतरीन गेंद पर आउट हुआ। लेकिन आप जब लगातार एक ही गेंद पर बीट होते रहेंगे, फील्ड खुलेगी नहीं, तो एक अच्छी बॉल आएगी और आपका विकेट निकाल के जाएगी। वही काम ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने किया। इसके बाद भारतीय टीम ने आज वो किया जो शायद पिछले 12 सालों में नहीं हुआ था। दरअसल भारतीय टीम के 3 रन आउट हुए, वो भी टेस्ट मैच में। हनुमा विहारी रन आउट हुए, अश्विन आउट हुए और फिर जसप्रीत बुमराह आउट हुए। जैसे ही पंत और पुजारा के विकेट ऑस्ट्रेलिया को मिली, उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी पूरे तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढहा दी। आया राम गया राम की तरह भारत की टेल को उन्होंने खदेड़ने में टाइम नहीं लगाया। अश्विन जहां 15 गेंदों में 10 रन बनाकर रन आउट हुए, डाइव तो लगा नहीं पाए और एक बिल्कुल कैजुअल रनिंग पे वो रन आउट हो गए। नवदीप सैनी मिचेल स्टार्क की उछाल लेती गेंद पर कैच दे बैठे वेड को शॉर्ट लेग पे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह शून्य पर आउट हुए। मोहम्मद सिराज ने काफी हद तक साथ निभाने की कोशिश की, जिसकी वजह से रविंद्र जडेजा और सिराज ने लीड को कम करने का काम किया। एक समय लीड थी 130 की, लेकिन भारत के 9 विकेट गिर गए थे, लगा कि मैच चला गया हाथ से, और अभी भी निकल चुका है भारत का मैच। लेकिन एक बात तय थी कि रविंद्र जडेजा बड़े शॉट खेलेंगे और वो खेले। इसके बाद मिचेल स्टार्क की उछाल लेती गेंद पर रविंद्र जडेजा की उंगली टूटी और वो सीधा स्कैनिंग के लिए चले गए, लेकिन वो बल्लेबाजी करने के बाद स्कैनिंग के लिए गए। 28 रन पर रविंद्र जडेजा की पारी नाबाद रही, वो नॉट आउट थे। हालांकि मोहम्मद सिराज आउट हो गए। इस पर डीआरएस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि सिराज ने रिव्यू लिया, बल्ले के पास से गेंद निकल रही थी, थर्ड अंपायर ने उसे आउट करार दिया स्निकोमीटर की एक हल्की सी आवाज पे। क्या वो आवाज हवा की नहीं थी? इस पर भी सवाल उठे। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल भारतीय टीम को 2 बड़े विकेट मिले यहाँ पे। आपको बता दें कि डेविड वार्नर और विल पुकोव्स्की के रूप में भारत को 2 बड़े विकेट बहुत जल्द मिले। 6ठे ओवर में विल पुकोव्स्की को यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने चलता किया। रिद्धिमान साहा ने, जो सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर थे, पंत का रिप्लेसमेंट थे, उन्होंने शानदार कैच लपका। वहीं डेविड वार्नर जो डेंजरस लग रहे थे, 29 गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद थे, अश्विन ने उन्हें विकेट के सामने पाया और पगबाधा यानी कि LBW आउट किया। लेकिन इसके बाद आज मार्नस लेबुशेन और स्टीवन स्मिथ ने दिखाया
चेतेश्वर पुजारा और रहाणे को कि पारी को आगे बढ़ाया कैसे जाता है जब आपकी विकटें गिर जाती हैं। विकटें गिरने के बाद आप स्लो नहीं खेलते, आप थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से 29 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर आज के दिन 103 पर 2 था। अब ऑस्ट्रेलिया की लीड हो चुकी है साफ तौर पर 197 रन। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम कल तेज खेलेगी ये बात तय है, क्योंकि वो ज्यादा लंच या उससे ज्यादा हुआ तो टी तक खेलेंगे, और अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम टी तक खेल गई तो 300 रन बोर्ड पर दिख जाएंगे आपको, 300 रन लीड के तहत। उस लिहाज से भारत के लिए 300 रन बनाना चौथी पारी में बिल्कुल नामुमकिन है, अनटिल एंड अनलेस कोई चमत्कार ही टीम इंडिया को अब बचा सकता है। इस बीच सिराज और बुमराह के बीच में भी एक विवाद हुआ, जिसकी वजह से अब ये लगता है कि मैच पूरे तरीके से फिसल चुका है। अब बात करते हैं अब से कुछ ही देर में जो मैच चल रहा है और उसके बारे में। दरअसल आज अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले में बचाने की कोशिश भी करनी है तो ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द समेटना होगा। लीड है 197 की, अब कम से कम 100 रन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 103 पर 2 है, कम से कम 200 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया की पारी को आप समेटिए तो आपकी लीड हो जाएगी यहां पर 297, जिसके बाद सिडनी के ग्राउंड पे हाईएस्ट चेज है 288, जो कि खुद ऑस्ट्रेलिया ने किया है 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब तक एक ही टीम इनके खिलाफ चेस करने में सक्सेसफुल हुई है, वो है वेस्टइंडीज की टीम, जो कि 86-87 की वेस्टइंडीज की टीम थी जिन्हें हराना नामुमकिन था। ऐसे में भारतीय टीम के लिए इस टेस्ट मैच को बचाना एक बड़ी चुनौती है। अगर भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को बचा जाती है तो भी आपकी इज्जत बच जाएगी, वरना चौथे टेस्ट में क्या होने वाला है इस बात को कोई डिनाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1977 के बाद ऑस्ट्रेलिया गाबा में कभी हारा नहीं है। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपडेट हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें इस टेस्ट मैच में घटी हैं, वहीं मानस लेबुशेन और स्मिथ जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, उस लिहाज से भारत को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। नवदीप सैनी की गेंदों में धार नहीं है, बुमराह थके हुए हैं, सिराज पूरे तरीके से लय में नजर आ रहे हैं लेकिन उनको स्पेल नहीं मिल रहा है, रविंद्र जडेजा का चोटिल होना टीम इंडिया को भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।